नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्न प्रथमे देखिबा हेडलाइन्स। दुर्नीति करी निलंबित हेले तीनी सरकारी बाबू जाजपुर जरी पंचायत रे व्यापक अनियमितता अभियोग रे पीओ जीआरएस एवं कनिष्ठ जंत्री निलंबित निलंबन कले जिलापाल। संबलपुर रे नकली नोट गैंग रो पर्दाफाश, प्राय 14 लाख टंका रो डुप्लीकेट टंका सह मशीन जबत। बरगढ़ व छत्तीसगढ़ रो 6 अभियुक्त गिरफ, जबत नोट रे रही 2500 एवं 100 टंका नोट। कटकरु नकली जर्दा थाबो मालगोदाम स्थित गोदाम रे पुलिस रो रेड, लक्षाधिक टंका रो नकली जर्दा जबत। दिल्ली एयरपोर्ट उड़ाइबा को धमक, बोमा पकाई उड़ाई देबा को आसला ईमेल। चेतावनी परे बढ़िला विमान बंदर सुरक्षा, धमक पछरे अलकायदार हाथ संदेह। सेपटे टेरर फंडिंग उपरे एनआईए रो महाप्रहार। गोरु अड्डारे चढ़ाव करी 40 रु अधिक गोरु उद्धार। बरगड़ कुलतात्रिकारु स्थानीय लोक व बजरंग दलर मिलित चढ़ाव। विभिन्न स्थानरु गाय गोरु को आनी बाहर को करा जाउथला चालन। राजधानी यूनिट 4 माछ मार्केट सील, सटडाउन रे दुकान खोली। बीएमसी आक्शन, सेपटे राज्य में पुणि 69 जीवन नेला वायरस। खोर्धार 21 मृत, 24 घंटे 1243 नुआ पॉजिटिव। स्वाधीनता दिवस पूर्व भारत को मिली पारे बड़ सफलता। 12 अगस्त रे इवो S3 सैटेलाइट रो लॉन्चिंग पाई काउंटडाउन आरंभ। पानीपाग व भौगोलिक स्थिति उपरे रखिबो नजर। दिन को 4-5 थर पठाइबो पूरा देशर चित्र। काले भारत फेरबे गोल्डन बॉय, जावलिन थ्रो रे स्वर्ण पदक जीति नीरज करिछंती इतिहास। फोन करी कथाले प्रधानमंत्री, विभिन्न महलरु शुभेच्छार सो। संपूर्ण खबर को आसीबा जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक जरी पंचायत रे व्यापक अनियमितता अभियोग। ए अभियोग आधारे तीनि जन सरकारी अधिकारी को निलंबित करा जाइछि। पीओ प्रकाश जेना, जीआरएस पार्थ सारथी थाटोई एवं कनिष्ठ जंत्री तुषार पात्र को निलंबन करिछंती जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर। व्यापक अनियमितता एवं दुर्नीतिर कथा सामना को आसुछि। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक जरी पंचायत रे व्यापक अनियमितता अभियोग, जो अभियोग आधार तीनि जन सरकारी अधिकारी को निलंबित करा जाइछि। पीओ प्रकाश जेना, जीआरएस पार्थ सारथी थाटोई एवं कनिष्ठ जंत्री तुषार पात्र को निलंबन करिछंती जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर। ए बाबद्र अधिक आलोचना करबा फोनलाइन रे जोड़े होइछंते बिंझारपुर प्रतिनिधि गुलनवाज अली खान। गुलनवाज, कौन सूचना रुचि एवं जो अनियमितता रा अभियोग आसीछि, को विषय रे अनियमितता रा कथा सामना को आसुछि? देखंतु, दुर्नीति अभियोग रे तीन जन सरकारी कर्मचारी को निलंबित करिसंती जिलापाल। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक जरी पंचायत रे विभिन्न सरकारी योजना रे अवहेला करिया अभियोग रे जिलापाल चक्रवर्ती सिंह राठौर, पंचायत रे पीओ प्रकाश जेना, डीआरएस पार्थ थाटोई एवं कनिष्ठ जंत्री तुषार पात्र को निलंबित करछंती। एही पंचायत रे कार्यकारी होतिबा योजना को बाटमरणा कर रहितबा अभियोग नै समिति सभ्य भुवनंद सामल धारणा देवा सहित जिलापाल को दाबी पत्र प्रदान करथिले। जिला प्रशासन पक्ष रे यहार तदंत करिया परे जिलापाल कार्यानुष्ठान ग्रहण करछंती। ओके, जिलापाल कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछंती एवं तदंत परे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जैछि। बहुत बहुत धन्यवाद गुलनवाज अली अधिक सूचना दौर। संबलपुर नकली नोट गैंग रो पर्दाफाश होई छि। प्राय 14 लाख टंका डुप्लीकेट टंका जबत होई छि। जो कारबार अभियोग रे बरगढ़ छत्तीसगढ़ रे 6 जन अभियुक्त गिरफ। छपा जाउथबा मशीन को मध्य जबत करा दै छि। जबत नोट रे 2500 एवं 100 टंका नोट रही छि। चढ़ा बेले 13,85,000 टंका नकली नोट जबत करी छि संबलपुर पुलिस। अभियुक्त ठारु गोटे बाइक, धला पेपर बंडल, कटर मशीन, ता सहित प्रिंटर एवं फाइटनर मध्य जबत करा दै छि।
बड़ खबर जे संबलपुर नकली नोट ग्यांग्र पर्दाफाश होई छी। माने नकली टंका छापुथिले ता सहित नकली टंका कारबारे मध्य सक्रिय रहिथिले। आपण देखुचंती किभली भाबरे पुलिस मानकु धरी छी एवं मुह लुचाउछंती अपराधी। जबत नोट रे 2000 टंका थिला, 500 टंका थिला, 100 टंका मध्य थिला। मशीन, धळा पेपर, फाइटर ए सब किछि मानको थारु मिलिछि। संबलपुर नकली नोट रो पूरा गोटे ग्यांग सक्रिय रहिथिला। प्राय 14 लाख टंका रो डुप्लिकेट टंका जबत करा जाय छि। आगो को आहुरी अधिक टंका रो सुराग मध्य मिल पारे जे माने को जगह रे सक्रिय रहिथिले, किभली भाव रे नकली टंका व्यवसाय करूथिले बा लोकंकु ठके करूथिले से बाबद रे मध्य तदंत चली छि। पुलिस जानिबा पई चेष्टा करूछि। 14 लाख टंका रो वर्तमान सुधा डुप्लिकेट टंका जबत करा जाय छि। बरगढ़ एवं छत्तीसगढ़ उभय जगार 6 जनों को गिरफ्त करा जाय छि। एथिरे आउ किछ जन संपृक्त अछंती कि से बाबद रे मध्य जानिबा पई पुलिस निजर तनाखना आरंभ करै छि। ए बाबद रे अधिक सूचना पई सीधा सळख हमर रिपोर्टर मलय भोई जोड़ी होइछंती हम सहित। मलय, ये रैकेट रे केवल एतिक जन काम करुथिले ना आहुरी ग्यांग रे केही केही अछंती? द्वितीय कथा होची को जगार ए माने व्यवसाय करिछंती तारो टेर पाइलानी कि पुलिस? निश्चित पक्ष सूत्र लगना देखो संबलपुर पुलिस ये गोटे बड़ चैलेंज थी जितेबाला खबर पाई छोट चाह दुकान रो ये घटना सुराग मिलता पुलिस को। छोट चाह दुकान जितने झगड़ा होते से ही समय पुलिस जानवाक पाई नकली नोट कारबार हो ये घटना को नहीं। संबलपुर टाउन थाना गोटे टीम संबलपुर बाहर बा बरगढ़ जिला एभलिक ओडिशा बाहर छत्तीसगढ़ पुलिस तनाघना करुला। संबलपुर टाउन थाना पुलिस गोटे टीम जो थी ये जो घटना घटी ये जो पाखापाखी ये घटन 13,85,000 टंका नकली नोट जबत होती। आप जानते हैं ये घटना जो गोटे प्रिंटर एभल कि कटर प्रिंटर होती पेपर जबत होती जो पेपर में प्रिंट होता टाँचा से पेपर जबत होती कि विभिन्न गोटे बाइक जबत होती चारिटी मोबाइल बर्तमान समय जबत कर पुलिस। तो देखा ये घटन जो 6 जन अभियुक्त अच्छा बरगढ़ जिलार 4 जन रही आ 2 जन ओडिशा बाहर रायगढ़ बोली जहाँ बर्तमान समय संबलपुर एसपी सूचना देखते। अंपटे देखा जो एम टा जिते प्रिंट होता ये टाँचा जहाँ प्रिंट होता ओडिशा बाहर प्रिंट होता बोली जहाँ मैं एसपी गोटे प्रकार स्पष्ट कर टाँचा जिते प्रिंट होता जो पाखापाखी कारबार करुले कि भाव में पुलिस सुराग पाइला और बर्तमान समय 6 जन को जदि गिरफ्त कर छत्तीसगढ़ बरगढ़ 6 जन को गिरफ्त करा जाय छी। आउ एमान को गैंग रे किए संपृक्त से बाबद रे किछ प्राथमिक सूचना पुलिस तरफ रु मिलि पारु छी कि मळे? देखो सूची लगना जहाँ एसपी जहाँ कहते छोट एक गोटे चाह दुकान जितने चाह पीवा समय झगड़ा होता और से चाह दुकान पीवा चाह पीवा समय ये कथा सामना करता से टाँचा दे चाह पी सारापर से टाँचा जितने नकली होता से घटन ये पूरापूरी एत बड़ घटना बर्तमान समय पर्दाफाश हो जहाँ संबलपुर एसपी कहते। देखिए आप जो कहु 6 जन जितेबाला बर्तमान समय गिरफ्त होती तो ये घटना आउ किए किए सामिल अच्छा से नहीं संबलपुर एसपी अधिक तदाघना कराकि संबलपुर टाउन थाना गोटे टीम आपण जानते बरगढ़ एभल कि छत्तीसगढ़ को मध्य जाए कि चढ़ा करता रेड करता जो थी कि विपुल मात्र टंका नकली टंका जबत होती तो कौटिना कौटी पुलिस ये घटन में आउ किए किए सामिल होती से नहीं बर्तमान समय संबलपुर एसपी अधिक तदन कर सूचना देखते। तो निश्चित पक्ष देखा जितेबाला एते ये जो टंका कारबार ये नकली टंका कारबार ये आजिका नुह बहुत दीर्घ दिन हम एभली कारबार चल रहा जहाँ बर्तमान समय अभियुक्त मानू पुलिस जहाँ सुराग पाई सूचना देती। तो निश्चित पक्ष कौटना कौटी जितेबाला पुलिस आगे तदन तदंत आग को बढ़ेब ये घटना केवल 6 जन थे ना आउ किए किए सामिल अच्छा या पचर आउ किए बड़ लोक थे कहीं प्रिंटर आंटर ए ग्यांग सक्रिय रही थे जेहेतु बाहर टंका छपा जाऊला इमें कौ जगार निजर डिल कर लोक ठकी से बाबद तथ्य सामना को आसबार आवश्यकता अच्छे कि भल कथा गोटे चा पीवा गंडगोल को नहीं नकली टंका देवा को नहीं एत बड़ एक घटनार पर्दाफाश कर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अपडेट। परवर्ती खबर को आसीबा गोरु अड्डा रे चढ़ाव करा जाय छी। 40 रु अधिक गोरु को उद्धार करा जाय छी। गोटे अड्डा करा जाय थिला जोठी विभिन्न जगह गाय गोरु को आनी रखा जाय थिला एवं बाहर जगह को चालान करा जाय थिला। बरगढ़ जिला भेडन ब्लॉक सुनालरंभा पंचायत निकट
कूलतात्रिकारु ए गोरु को उद्धार करा जायछि। स्थानीय अंचल रे दीर्घ दिन होइ जिवो गोरु चालन हेउथबार अभिजोग सामना को आसीथिला। ए गोरु अड्डा रे स्थानीय लोक एवं बजरंग दल रो किछि कर्मचारी एमाने मिलित भाव रे चढ़ाव करथिले, गोरु मानकु उद्धार करिछंती। गोरु अड्डा रे गो चालनकारी विभिन्न स्थान रु गाय गोरु को आनी बाहर जगह को चालन करथुबा सूचना रहिछि। गोरु को उद्धार बेले किछि गो चालनकारी घटनास्थल रु फेरार अछंती, आउ किछि जन को काबू करिवारे सक्षम होइछंती स्थानीय लोक। କିଛି ସେନ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ର ବେପାରୀ ଗାଈ ବେପାରୀ ଯେନ୍ଟା ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକେଟ୍ରେ ଚଲୁଥିଲା ଆରୁ ଇ ଜାଗାକେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କଲୁ। ଚଢ଼ଉ କଲୁ ବେଲେକେ ସେନ ବେପାରୀମାନେ ସେନ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖୁଲମ୍ ଖୁଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଲେ ଯେ ତମକୁ ମର୍ଡ଼ର କର୍ମୁ, ଫାୟରିଂ କର୍ମୁ, ଏନ୍ତା କଥାମାନେ ଇନ ଶୁଭିଲା। ତାତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜହ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ, 50-60 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲୁ, ଏମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ଏଇ ଜାଗାଟା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆର୍ ସବୁ ଗାଁ ତମର ଦେଖୁନ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ଅଛି। ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଏଥିଲାଗି ଦାୟୀ ହେ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ତାମାନେ ହେଉ ଆମର ଦାବି ଯେନ୍ଟା କିଆ। ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଇ ଯେନ୍ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ସେଟା ତାମାନେ ପୋଲିସ ତାମାନେ ତାର କି ତାମାନେ କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସେଟା ଆମେ ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ଆମେ କହୁଛୁ। କଟକରୁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଠାବ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଦାମ ଉପରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ନକଲି ଘିଅ, ନକଲି ମସଲା, ଏମିତି ଅନେକ ନକଲି କାରବାର ହେଉଥିବା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ କଟକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଜିନିଷ ବିକ୍ରିର ହବ୍ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ନକଲି ଜିନିଷ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକ୍ରି ଠାବ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବାରେ ଟିମ୍ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମାକ ବୋମା ପକାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମେଲ୍ ଆସିଲା। ଚେତାବନୀ ମିଳିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷା। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ ବୋଲି ମେଲ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଅଲକାଏଦା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେବେ ମେଲ୍ କେତେ ସତ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ମହାପ୍ରହାର, ଏନ୍ଆଇଏର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 14 ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 50 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉରେ ଏନ୍ଆଇଏର 5 ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ 150 ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ଏନ୍ଆଇଏ ହାତରେ ଲାଗିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଜମାତ ଇ ଇସ୍ଲାମୀର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀନଗର, ବଡ଼ଗାଓଁ, ବାରାମୂଳା, କୁପୱାଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 2019 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ହିସାବରେ ଜମାତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦୁବାଇ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘାଟିରେ ଧାରା 370 ହଟିବା ପରେ ପଥରବାଜ ଆତଙ୍କୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ କିଛିଟା ବିରାମ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଏଭଳି କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଛୁଟି ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଖୋଲି ପଶିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ରବିବାର ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ହରିରାଜପୁର ଗାଁରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଘଟଣା। ହରିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଟିଆଇରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି କାଗଜପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି, ରବିବାର ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଖୋଲା ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି ତଦାରଖ କଲାବେଳକୁ ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ସିଏ ଭିତରେ ରହିକି କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି।
आमे जो पचारू से हठात आसिक गेट चाबी देवा चाहते ना आम जो चाबी देलु से पचेरी डेक स्कूल बाट दे कि दौड़ी पलैले आमर जो पिला प्रतिरोध कला भाड़िया को हाथ उठे कर तार भिड कराई सरकारी कर्मचारी से पंचायत कौन पंचायत काम कौन तर से पंचायत रू कि दस्तावेज चोरी करने आसते से चाबी पाइले कौन पंचायत अफिस् खोलें केमी पशिले केमी आम चाहू यार तदंत कर सिल होइछि भुवनेश्वर 4 नंबर माछ मार्केट अनिर्दिष्ट काल पर्यंत मार्केट को सिल करिछि बीएमसी सटडाउन रे मार्केट खोला थिबारो कार्यानुष्ठान ग्रहण करा दैछि कटकणा कोहळ होइथिले भी कोरोना संक्रमण कमिनि प्रति शनिवार रोबार बंद रहउछि दुकान बाजार कटकणा को अमान्य करि आजि 4 नंबर माछ मार्केट रे किछि दुकान खोला थिला जोंथि पई बीएमसी एभले एक पदक्षेप ग्रहण करिछि बीएमसी रे एक टीम मार्केट रे रेड करथिले बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर को सहित जेडीसी मध्य सामिल थे आज तीनोटी गोदाम खोला थिबा खबर मिलिथिला किंतु चढ़ाव समय देखा मिलला जे आहुरी अनेक दुकान खोला जाइछि राज्य में कम्युनि कोरोना मृत्यु आज पुणि थरे 69 जनक जीवन नेछि भाइरस खोर्धारु 21 संबलपुर 8 सुंदरगढ़ बालेश्वर 6 केन्दुझर 5 जन लेखाएं मृतक अच्छा जहां मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6435 पहुंची सेपटे 24 घंटे राज्य में 1243 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु सर्वाधिक 399 कटकु 177 जगत सिंहपुर 88 स्टेटपुर 84 आक्रांत चिन्हट आंबुलांस भितर बुहा जाऊ धलाजहर रोगी को बुहा होंबुलांस को सुरक्षा कवच भाव में व्यवहार कर एभली कार्य चली एक भिडियो एवं सोशल मीडिया भाइराल होडियोट भद्रक जिला चरंपा बौलपोखरी अंचल आंबुलांस को चलाउता ड्राइवर और सहयोगी ब्राउन सुगर ने भिडियो देखा मिली देखिपार वीडियो वर्तमान वायरल होइछि आंबुलांस अच्छी रोगी को नबा आनिबा करबा किंतु किभली परिस्थिति रे ड्राइवर एवं एठारे थिबा आंबुलांस रे थिबा हेल्पर जनक दिजन मिसी धलाजहर नौछंती धलाजहर चालन करबा पई आंबुलांस को व्यवहार करा जाउछि ये खूब अधिक आश्चर्य करुछि ए खबर सामना को आसीबा परे आशा करिबु कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो आशा करिबु ए खबर प्रभाव पकाइबो मयूरभंज जिला बैसींगा थाना पाटुलीपुरा दारीहा गाँव में झुलंता अवस्था जनक मृतदेह उद्धार मृतक गाँवर 45 वर्षीय प्रदीप कुमार बारिक बुढ़ाबलंग नदीकूल गच्छर प्रदीप मृतदेह झुलंता अवस्था उद्धार कर प्रदीप बारीपदार एक भड़ा घरे निज स्त्री पिला रोते गत काली से गाँव को जाऊबा नहीं पर लोक किंतु से गाँव को आसी ना पर लोक कहते बैसींगा पुलिस मृतदेह जबत कर तदंत कर जरे गोटाली मोबाइल चोरी राजधानी चकी सियाणी अंचल में गोटे घर 4 मोबाइल चोरी कर चंपट मारी मोबाइल लुटेरा आउ सबू घटना कैद हो सीसीटीवी तालचेर अंचल शांति स्वरूप साहू चकी सियाणी निज सांग घर को बुलवापी आसी तेरे घर शोवा समय कि जरी गोटाड़ी घरे पशि मोबाइल और पर्स चोरी कर नहीं जाइंट एने मंचेश्वर थाना अभियोग अधिक सूचना पाई फोन लाइन आम रिपोर्टर रोशन रथ जोड़ी होती रोशन जरी गोटाड़ी ये जो मोबाइल चोरी वीडियो सामना को आसुची बाबद किसी तथ्य अधिक जमापड़ी देखो चकई सियाणी अंचल जड़े तालचेर अंचल झील आसी सांग घर रोते आई समय जिते सांग सहित रात शोले भोर रू कि चोरी गोटाड़ी आसी महिला मैंने
ତାଙ୍କ ଘର ଝରକାପଟୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 4ଟି ଫୋନ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ପୁରା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏତେ ଜରି ଗୋଟାଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଠୋସ୍ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରନ୍ତି, ରୁହନ୍ତି, କେଉଁ ଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଯଦି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରାଇମ୍ ବଢି ବଢି ଲାଗିଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଭିତରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି କିଛି ବସ୍ତିରୁ ରହୁଥିବା ଜରି ଗୋଟାଳି ଏବେ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜରି ଗୋଟାଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହାର କିଛି ଅତାପତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯିବ, ଚୋରି ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାକାଶରେ ଇସ୍ରୋ ମୁତୟନ କରିବ ଭାରତର ଆଖି। 12 ଅଗଷ୍ଟରେ ଇସ୍ରୋ ଅର୍ଥ ଅବଜରଭେଟରୀ ସାଟେଲାଇଟ୍ ES-03 ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦିନକୁ ପୁରା ଦେଶର 4ରୁ 5ଟି ଫଟୋ ଉଠାଇପାରିବ। ଭାରତର ପାଣିପାଗ ସହିତ ଭୌଗୋଳିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବ। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ଏହି ଲଞ୍ଚିଂ ତାରିଖ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକେଟ୍ରେ 4 ମିଟର ବ୍ୟାସର ହିଟ୍ ସିଲ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏଥିସହିତ ନିୟର ଇନଫ୍ରାଡ୍ର 42 ମିଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଇମେଜିଂ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର ରହିବ। ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରଖିବା ବୁଲେଟିନ୍କୁ। ନମସ୍କାର।